आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं कांग्रेस के फॉरेन मिनिस्टर योगेश साहनी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पूजा जी। सर, जिस तरह से आज के टाइम की सिचुएशन जो बनी है, अभी जम्मू की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है, लोगों का समर्थन कर रही है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ते जा रही है, टैक्स टेररिज्म को लेकर आपके द्वारा जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा आवाज उठाई जा रही है, क्या कहेंगे किस तरह की सिचुएशन आने वाले समय में हम देख सकते हैं अगर इसी तरह की तानाशाही चलती रही? और आपने देखा कि पिछले हम 15 फरवरी से लेकर मार्च 30 तक हमारा ये प्रोग्राम जो है टैक्स टेररिज्म के ऊपर पीसीसी पे ने एक लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम, और सेकंड ये थ्रू आउट इंडिया के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये नेशनल वाइज प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी का, जिस तरीके के साथ कि कोरोना का बहाना लेके, और ख़ास करके अभी जब कोरोना की मार पिछले एक साल से आम गरीब आवाम को पड़ रही है, जनता को पड़ रही है, उस कोरोना की कहते हैं ना कि भी पर्दे के पीछे उस छाया जो कोरोना की जो पड़ रही थी उसकी छाया के पीछे जिस तरीके के साथ इन लोगों ने पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाए और दूसरी मार जो मारी है आम जनता पर, तो उससे लगता है कि ये सरकार कुछ समझ ही नहीं आ रही कि किस राह पर चल रही है जी। जिस राह पर ये सपने दिखा के चलाने के सपने जो दिखाए थे इस सरकार ने, उस राह से ये भटक चुकी है। तो हमारा तो एक फर्ज बनता है जो अपोजिशन की, हम इसको जो भटकी हुई राह पर जो सरकार चल रही है उसको सही रास्ते पर लिखें, और जनता को भी बोलें कि जो इनसे वादे जो किए थे जनता से आप लोगों ने, वो कहाँ तक आप उसकी सच्चाई कहाँ तक और कहाँ तक इसको लेके जाओगे। 370 के टूटने के बाद ये बात की गई थी कि विकास पे काम होगा, एम्प्लॉयमेंट पे काम होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इन सब उम्मीदों के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले हल्ला बोल हुआ था कि इस पर कई सारे जो दल थे, विपक्षी दल की बात की जाए वो भी हल्ला कर रहे थे, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोगों में एक उम्मीद जागी थी अगर सरकार ये कह रही है कि विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो वो अभी तक तो सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरह से न्यू बजट आया, अब कहीं ना कहीं ये उम्मीदें जगाने की कोशिश की जा रही है, या क्या लगता है आपको कि उन उम्मीदों को तोड़ा जाएगा फिर से? हर वर्ष आपने देखा कि जब से यहाँ प्रेसिडेंट रूल हुआ और दफा 370 तोड़ने के बाद कि जो सपने आपने सही कहा कि जो जनता को दिखाए गए, जम्मू कश्मीर को, जनता को खास करके, लोगों को खास करके भी 370 टूटने के बाद यहाँ एक बाढ़ आएगी, नौकरियों की बाढ़ आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बाढ़ आएगी, यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आएंगे यहाँ पे, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर। लेकिन लोगों ने देख लिया कि ये सिर्फ एक सुहाने सपने दिखाने वाली बात थी। और जहाँ तक बजट की बात है, हर वर्ष पर बजट आता है, अब आज लोगों को बजट की ज़रूरत नहीं। आज यहाँ पे हम चाहते हैं कि भी जनता चाहती है कि यहाँ चुनी हुई सरकार हो, यहाँ जो एक पीठ पे छुरा घोपा है भाजपा ने कि हमारी जो एक पुरानी स्टेट जो थी अपनी 47 से पहले भी देखें तो मैं हर यही चीज़ हम लोग कहते हैं लोगों के बीच में कि 47 से पहले छोटे छोटे राजवाड़े हुआ करते थे, जैसे एक चार डिस्ट्रिक्टों को इकट्ठा किया और एक स्टेट बन गई थी, चाहे यूपी था, चाहे बिहार था, चाहे आंध्रा था, चाहे कोई और स्टेट थी, लेकिन जम्मू कश्मीर अपने आप में एक स्टेट थी 47 से पहले। और पहली बार हम लोगों ने ये देखा और सुना, और सही कहा हमारे लीडर आजाद साहब ने कि भी मैंने वाजपेयी साहब का भी हुकूमत देखी, उनका राज भी देखा, कभी ये सुना नहीं था कि स्टेट को तोड़कर कभी यूटी बनाई जाए। हाँ, यूटी को स्टेट बनते हुए देखा, लेकिन स्टेट बयान को ये भी आते हैं कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, क्या उम्मीद लगती है? अभी क्यों नहीं दे रही है हम लोगों को, अभी ज़रूरत है। मैं खुद एक एक्स मिनिस्टर रहा हूँ पिछले, मैं खुद कहता हूँ कि हालत क्या है सेक्रेटेरिएट के अंदर, आप जाइए जाके सेक्रेटेरिएट के अंदर कि क्या पब्लिक के कोई काम हो रहे हैं, क्या जनता सेक्रेटेरिएट के अंदर घुस सकती है, जो नुमाइंदे हैं वो नहीं वहाँ जा सकते। यहाँ हालत ये है कि कोई नुमाइंदा अगर पार्टी का या कोई एक्स डेजिलेटर है वो कहीं अप्रोच करता है किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने के लिए कि जनता के काम के लिए, तो ब्यूरोक्रेट उनको टाइम तक नहीं देते। आज देखिए हालत क्या है, लोग
त्राही त्राही कर रहे हैं आज, और ये जो सुहाने सपने दिखा रहे हैं ये बजट लेकर की बजट, आज मुबारक मंडी की हालत देख लीजिए क्या हालत है। आज जो पैसा दे रहे हैं ये DDC के जो चुनाव का है, चुनाव जो इन्होंने कराया, और हमें तो लगता था कि भी डेवलपमेंट की बाढ़ आएगी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और आप खुद हाल देखिए कि अगर 200 करोड़ रुपया दिया है DDC के पास क्या रहेगा, BDC के पास रहेगा और पंचायतों के पास क्या रहेगा, कि कहीं कम से कम आप लोग भी कि यहाँ चुनी हुई सरकार लाएं, यहाँ लेजिस्लेशन को मौका मिले अपने लोगों को नुमाइंदगी करने का। और DDC का तो आपने ऑलरेडी पीछे देख लिया कि गवर्नर साहब ने कोई एक मीटिंग कॉल की थी सभी DDC के मेंबर्स की पूरे जम्मू कश्मीर ट्रेनिंग के लिए, तो गवर्नर साहब वहाँ से नाराज हो गए, क्यों, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ हमें सपने दिखा, आप बताइए कि जो DDC का चुनाव लड़े हैं अब उनको भी ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, क्या आप उनको फंड दीजिए ना कि वो अपने इलाके के अंदर अपने काम करा सकें, लोगों के काम करा सकें, वो कैसे जब उनके पास कोई डेवलपमेंट फंड्स नहीं होंगे तो वो कहाँ, कहीं किसी को सड़क चाहिए, कहीं पानी चाहिए। अब आपने DDC बनाई है तो उसका उनको कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, कोई एक छोटी सी एक उनकी कौंसल के लिए एक हाल होना चाहिए जहाँ वो बैठकर अपना डिसीजन ले सकें कि पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम लोगों ने कोई डेवलपमेंट करानी है तो वो प्लान बना सकें अपने। और हम तो देख रहे हैं कि बेचारे रो रहे हैं, वो कहते हैं जी दर्जा तो आप हमने DC का दे दिया तो हमें तो तहसीलदार भी अंदर घुसने नहीं देते। बार बार जनता के बीच में उम्मीदें जगाई जाती हैं, बार बार तोड़ी भी जाती हैं। अब जिस तरह से ये फिर से जो न्यू बजट आया जम्मू कश्मीर का, इसको लेकर फिर से जनता में जो है उम्मीदें जागी हैं, क्या लगता है जो कागजों में लिखा गया है या जो कागजों में है क्या ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा ये लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि ये ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ें नजर आएंगी। हमारा यही कहना है कि चाहे जितने मर्जी सुहाने सपने ये कागजों में दिखाएं, पार्लियामेंट के अंदर दिखाएं, लोगों के सपने तभी साकार होंगे, जनता की उम्मीदें तभी पूरी होंगी जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा और यहाँ के खुद नुमाइंदे फैसला करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों का और यहाँ की डेवलपमेंट का। DDC के इलेक्शन हुए, साफ तौर से नतीजे जो थे वो सामने थे, अब आने वाले इलेक्शंस को लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी जो है कांग्रेस के रहने वाली है? हम तो लोगों की आवाज़ उठा ही रहे हैं ऑलरेडी, हमारा मंडे को भी एक बड़ा मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन है जो हमारी कांग्रेस की इंचार्ज हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर श्रीमती रजनी पाटिल जी जो सबका मेंबर पार्लियामेंट भी हैं वो आ रही हैं, उनके नेतृत्व में मीर साहब के नेतृत्व में और पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथियों के साथ मिलके और एक मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन जो ये प्राइस हाइक के ऊपर पेट्रोल डीजल और गैस के जो दाम बढ़ाएँ उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं मंडे को, और साथ में हमारी ये भी उस दिन डिमांड रही कि भी स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव कराए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में उथल मुथल बची हुई है, किस तरह से आपको लगता है कि सुधार आ सकता है? मैंने तो बार बार आपको यही कहना, यहाँ सुधार तभी आ सकते हैं जब यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे लोगों के फैसले करें और डेवलपमेंट का प्रोसेस लेके आगे चले, और ये तभी हो सकता है। मैं तो आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि सरकार को चाहिए जल्द से जल्द DDC के चुनाव करा सकते हैं। DDC तो मोर देन 280 से भी ज़्यादा इलेक्शन उन्होंने कराया, तो ये तो हार्डली 90 से ज़्यादा अब सीटें नहीं हैं असेंबली की। मुझे बताइए क्या लगता है आपको, जिस तरह से कोविड का यह दौर गया उसके बाद अभी लोगों में अभी स्थिरता नहीं आई थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से अपना बिजनेस चलाए, किस तरह से अपना रोजगार चलाए, उस समय जो महंगाई की मार, क्या लगता है किस कारण से ये महंगाई जो है बढ़ा दी गई? मैं तो वही कह रहा हूँ कि पर्दे के पीछे उनको बहाना मिला, दिल्ली की सरकार को एक बहाना मिला कि वो सब लोग जानते हैं, आज की डेट में सोशल मीडिया के अंदर भी सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि किन परिवारों को फायदा दिया जा रहा है। जो ये सरकार कहती है कि हम आम आदमी की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है, सिर्फ चंद लोगों की सरकार है, ये उनको बेनिफिट दे रही है। अब देखिए कि ये पूरे हिंदुस्तान में कोई चीज़ ऐसी बच नहीं रही जिसको ये लोग बेच नहीं रहे जी, हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ये कर रहे हैं, लेकिन उस प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा क्या मिल रहा है आम जनता को,
या तो हमें फायदा ये मिलता है कि अगर आपने कोई बेचा है, कोई कंपनी बेच रही हो, कोई रेलवे स्टेशन बेच रहे हो, उससे कोई गरीब आवाम को कोई फायदा मिलता हो, कोई गैस के दाम कम होते हो, कोई पेट्रोल के काम कम हो रहे हो। आज हालत ये है कि भी 200 रुपए के करीब अब खाने के तेल के भाव बढ़ चुके हैं। पहले चूल्हे से गैस पे लाया गया, अब गैस से फिर लोग चूल्हे पे आ चुके हैं। और मैं तो वही कह रहा हूँ कि हालत तो ये कर दी है कि गाड़ियाँ चलानी मुश्किल हो गई हैं। हाल तो ये है कि हम लोग तभी तो प्रदर्शन हमारे यूथ कांग्रेस वाले भी करते हैं कि हाल यहाँ ये होंगे कि यहाँ पे बैलगाड़ियाँ चलनी ना कहीं शुरू हो गए। अगर ये भी कहना होता है कि जिनके पास गाड़ी खरीदने की औकात होती है वो पेट्रोल भी भर सकते हैं, इस पर आप क्या कहें? अरे मैं कहता हूँ कि इनको वो अपना समय याद नहीं आ रहा 2014 वाला, या स्मृति ईरानी, या राजनाथ सिंह जी, स्वर्गीय हमारे जेटली जी, सुषमा स्वराज जी कैसे चिल्ला चिल्ला कर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सड़कों पर कहते थे कि ये सरकार कहाँ पेट्रोल डीजल की और गैस के दाम बढ़ा रहे हैं। आज तो ये हालत कर दी है, मोदी जी को ये शर्म महसूस नहीं होती जब ये इलेक्शनों में प्रचार करते थे ये लोग कि हमें बड़ा दुख और मुझे दिल में चोट पहुंचती है जब मैं किसी बूढ़ी माँ को आंखों में मैं धुआं खाते हुए देखता हूँ कि ये बूढ़ी माँ को मैं मुफ्त में से सिलेंडर दे रहा हूँ। आज उनको याद नहीं आ रहा वो सिलेंडर कहाँ पड़ा हुआ है, आज वो सिलेंडर स्टोर में पड़ा हुआ है। उस बेचारे गरीब परिवार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 1,000 रुपए का सिलेंडर खरीद सके, आज फिर वो चूल्हे पे आ चुकी है। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, किस तरह से आप उन्हें आश्वासन देते हैं, किस तरह से उनका समर्थन करते हैं? हम उन्हें कहते हैं कि अब जागने का समय आ चुका है, अब हमारी युवा शक्ति जागे। जिस उम्मीदों के साथ इन लोगों ने भाजपा का साथ दिया था, इस सरकार का साथ दिया था, अब उनको सोचना चाहिए कि हमें अब एकजुट होकर जिस सरकार ने जो सुनहरे सपने दिखाए थे, जो उम्मीदें जगाई थी बेरोजगार नौजवानों में, अगर उनको पूरा नहीं किया तो ऐसे लोगों को आगे लेके आए कि जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। इनको पिछले 7 सालों ने इन्होंने जमाया, अब मौका देना चाहिए बाकी लोगों को, और ख़ास करके अब आजमा चुके हैं ये लोग, आने वाले नए लोगों को मौका दें, एक पार्टी को मौका दे, कांग्रेस को मौका दे, और कांग्रेस इनकी आवाज़ बन के आगे इनके संघर्ष के लिए लड़ती रहेगी, इनकी उम्मीदों के लिए कि इनको इनके लोगों के दिन अच्छे आए उसके भी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो साफ तौर से योगेश सहनी जी का कहना था कि जनता को उसे चुनना चाहिए जो उनका समर्थन करती, जो उनके हित के लिए हमेशा खड़े रहती है। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक पड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जमो। थैंक यू पूजा जी।